हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एंटिसिपेटेड क्लासेस। अब हमने इससे पहले क्या देखा था, 6.1 देखी थी हमने, तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 देखेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो जो आपकी स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में जो चैप्टर 6 का जो एक्सरसाइज 6.2 है ना, इसको देखेंगे हम। तो इसमें जो आपकी है ना, इसमें क्या है, फाइंड द स्क्वायर निकालना है द फॉलोइंग नंबर्स का। जैसे 35 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो अब ये कैसे निकालेंगे ये समझ लेते हैं इसको, ठीक है। तो उसमें आपको मेंशन होगा कि आपको लॉन्ग डिवीजन से निकालना है या आपको स्क्वायर रूट निकालना है फॉलोइंग नंबर्स का, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कैसे गिवन है। अब इसमें दे रखा है फाइंड द स्क्वायर, स्क्वायर्स निकालना है तो फॉलोइंग नंबर का, 35 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे होगा। देखो इसमें सोल्यूशन डालते हैं इस चीज़ को। इसमें प्रॉपर्टी है एक आपकी, उससे प्रॉपर्टी से बताता हूँ। देखो आपकी जैसे एक प्रॉपर्टी आती है ए प्लस बी स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम इससे इसको सॉल्व करेंगे। अब ये आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ तो एक ही नंबर है, अब इसको a और b में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसका सिंपल सा तरीका है, जैसे ये आपका 35 है ना, तो हम क्या कर देते हैं इसको 30 + 5 का स्क्वायर बना देंगे। अब बन गया ना आपका, देखो ये a बन गया, ये b बन गया, तो मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे जैसे इसको ले लेंगे 30 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 2 × 30 × 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 30 से कितना, ये कितना 900 ये आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ये कितना आएगा 230 से कितना 60 65 से कितना 300 आ गया ना ये। अब 900 और ये 300 कितना होगा आपका 1200, और इसमें 25 जोड़ दो, तो ये आ गया आपका 1225। तो जो स्क्वायर निकला है ना 35 का, वो कितना है 1225 आ गया आपका स्क्वायर, ठीक है। तो होपफुली समझ आ गया। इसको ना यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे, चाहे देयरफोर का साइन ये होता है, इसमें ऐसे करके लगा देना और यहाँ पे लिख देना आंसर, ठीक है। तो जो स्क्वायर आया, स्क्वायर निकला ना, स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर निकला है किसका, 35 का, कितना है वो 1225 आ गया। होपफुली आप ना, अगर आपको चेक करना है चेक कैसे होगा, इन दोनों की 35 की मल्टीप्लाई 35 में करा दो, ठीक है, कितना आ जाएगा 1225 आ जाएगा। बहुत इजी तरीके से बता दिया, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी मैथ्स है। अब ऐसे इसको करते हैं 86, आप कर लोगे इसको ईजिली, मैं एक बार कर देता हूँ आपके लिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देता हूँ फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 86 को तोड़ लेंगे हम, 80 + 6 का होल स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 2 × 80 × 6, यही है ना, ऐसे ही करा है ना हमने। 8 × 8 = 64 ये हो गया 36। 82 का कितना होता है 160, 160 से 6 की मल्टीप्लाई करा दो, करा लेंगे आप 36 6 × 6 9 आ गया, यहाँ पे आ गया 960। अब इसमें से जोड़ेंगे, सिक्स 9 और 4 कितना होता है 13, ये हो गया 7, इसमें 36 जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा 7396। तो 86 का जो स्क्वायर करा है आपने वो कितना है, ये आ गया इस तरीके से, ऐसे करके आप दिखा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो होपफुली समझ आ गया होगा, ये पहला क्वेश्चन है इसका। अब इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालेंगे इसमें, तो फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आप स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 6.2 का ये सेकेंड क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। राइटर पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालनी है, उसका एक मेंबर दे रखा है 6। अब आपको समझा देता हूँ कि कैसे करते हैं। वी गॉट द पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे निकलती है, इसके एक जनरल फॉर्म है 2m m² + 1 और m² - 1, तीन फॉर्म से निकलता है ये, ठीक है। तो ये ऐसे लिख देंगे, सोल्यूशन करते हैं इसका। वी गॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है, कैसे निकलती है, इसकी एक फॉर्म जनरल, इसकी एक फॉर्म है
क्या जनरल फॉर्म है, 2m एम स्क्वायर प्लस वन और एम स्क्वायर माइनस वन, ये इसकी इस तरीके से निकलती है। अब जैसे 6 है तो हम क्या करेंगे, इसको रखते हैं साथ में रखते हैं, जैसे 2m के साथ करके देखेंगे इसको, 2m इक्वल टू 6, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आएगी 6 अपॉन 2 मतलब कि 3, तो जो m आया आपका वो 3 आ गया, यहाँ पे आ गया ना 3। अब क्या करेंगे, अब इसमें रखेंगे m को और इसमें रखेंगे, तो तीन फॉर्म निकालते हैं हम इसमें, ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पे हम इसमें कर लेते हैं एम स्क्वायर प्लस वन, थ्री के किसके बराबर रखेंगे, इसमें सॉल्व कर लेते हैं इसको, थ्री स्क्वायर प्लस वन मतलब कि कितना आ जाएगा 9, 9 प्लस वन कितना आ गया 10, तो ये तो एम स्क्वायर प्लस वन से निकल गया, ऐसे ही यहाँ पर कर लेते हैं एम स्क्वायर माइनस वन, तो मतलब कि 3 का स्क्वायर माइनस वन मतलब कि 9, 8 आ जाएगा। तो जो पाइथागोरन ट्रिपलेट निकली है ना, जिसका मेंबर 6 दे रखा था, कौन कौन सी इसकी तीन फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, एक तो 6, 8 और 10, ये आ जाएगा इसमें। तो जो पाइथागोरन ट्रिपलेट निकली है ना, जिसका मेंबर 6 दे रखा था, उसकी ये तीन फॉर्म आ जाएगी, 6, 8 और 10, तो ये कितना हो जाएगा इसका, ये इसका आंसर हो जाएगा। होपफुली समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है, ऐसे करके निकालते हैं, 2m से ही ज़्यादा कोशिश करो कि यहीं से निकालो। अब बच्चे क्या करते हैं कि एम स्क्वायर ले लेते हैं प्लस वन, उसको 6 के बराबर रख देंगे कि कोई और नंबर 10 के बराबर, वहाँ पे कई बार दिक्कत हो जाती है सॉल्व करने में। तो मेन कहाँ से शुरू करो, 2m से ही शुरू करते हैं, तो 2m के बराबर रख दो जो नंबर आपको दे रखा है, वहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, फिर वो जो m की वैल्यू आ रही है उसको इनमें दोनों में पुट कर दो बस, वहाँ से उसके दोनों मेंबर निकल जाएंगे, पहले मेंबर आपका पहला ही होता है जो आपका गिवन होता है, बाकी दो मेंबर यहाँ से निकल जाते हैं हमारे, ठीक है, ये इसके तरीका है सॉल्व करने का। ऐसे करके इसके पाइथागोरन ट्रिपलेट निकाल जाते हैं, ऐसे 16 का करके देखते हैं। देखो यहाँ से 2m बराबर 16, ठीक है, तो m बराबर हो गया 16 अपॉन 2 मतलब कि 8 आ गई m की वैल्यू। अब वही करेंगे m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 64 प्लस ये आ गया 65 आपका, ऐसे ही एम स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर माइनस में कितना हो गया 64, ये हो गया 63। तो अब यहाँ पे निकल जाएंगे इसके तीन अब लिख देंगे इसमें से पाइथागोरन ट्रिपलेट कितनी क्या क्या निकलेगी, जैसे इसमें 16 निकली है, 63 और 65, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। होपफुली समझ आ गया होगा, बहुत ईजी सा है। तो ये तो है आपकी 6.2 एक्सरसाइज, दोनों क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको, तो ये है पूरा इस वीडियो का लेखा जोखा।